चुनाव खत्म होते ही सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ जाती है जहां वोटिंग के दौरान मारामारी या हंगामा हुआ हो। अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर गोते लगा रहा है। वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि बस्ती से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी पोलिंग बूथ के बाहर सपा कार्यकर्ता से नोकझोंक करने लगे। दरअसल छठे चरण में बस्ती लोकसभा सीट में भी मतदान चल रहा था। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोप है कि सपा कार्यकर्ता से बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी भिड़ रहे हैं। मौके पर सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा भारी पुलिस बल भी मौजूद है। तभी भीड़ में सपा कार्यकर्ता को कोई ये भी कह रहा है कि समझा रहे हैं कायदे से शांत रहो। बताया जा रहा है ये वीडियो हरैया विधानसभा के मिढ़ाए गांव पर बने पोलिंग बूथ का है जहां सपा कार्यकर्ता रामकुमार की तरफ से वोटरों को भड़काने की शिकायत बीजेपी को मिली थी। शिकायत मिलते ही बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी खुद मौके पर पहुंच गए जहां सपा कार्यकर्ता को समझाते समझाते उनका पारा हाई हो गया। वीडियो में हरीश द्विवेदी गुस्से में लाल दिख रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने सपा कार्यकर्ता की अच्छे से क्लास लगा दी और उन पर खूब चिल्लाए भी, जिसका वीडियो बनाकर सपा कार्यकर्ताओं ने वायरल कर दिया। खैर, चुनावी मौसम में ये वीडियो देखने के बाद इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।